65 में रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जब बॉर्डर के लिए सेनाएं मूव कर रही थी, जब ट्रक जा रहे थे, ये शख्स 50 लोगों की टोली बनाता है, सड़कों को खोदता है और ट्रक के ऊपर फर्स्ट ऊपर पथराव करता है। ये नहीं पता है उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त आईडी नहीं हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम मत पूछिए, वो जी देते हैं। दिल्ली के गृह मंत्रालय से शूटर साइड के ऑर्डर, उन्होंने कहा यह बच्चा है, इसकी पिटाई तो की और रातों रात कहा आप रामपुर छोड़ दें। ये कमजर जो आज हिंदुस्तान को कहता है कि भारत माता डाइन है, ये भाग के अलीगढ़ मिस्ट्री में गया और वहां मुझ पाया। ये अलग बदकिस्मती है देश की, कैसे लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, ऐसे लोग वजीर भी बनते हैं। वो भारत के सेकुलर फैब्रिक संविधान मेजोरिटी की बात करता है और खुलेआम कहता है कि भारत के मदरसे सात दिन प्रज्ञा पैदा नहीं करते, कर्नल पुरोहित पैदा नहीं करते। मुझे नहीं पता, यहां बहुत सारे लोग संघ के बैठे होंगे, शिशु बाल मंदिर से कोई आतंकवादी नहीं पैदा होता। ये बात तो तुमने सच बोली आज, कि मदरसे कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मदरसों की औकात ही नहीं है कि तुम साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पैदा कर सकते। साध्वी प्रज्ञा पैदा होने के लिए बड़ा खुशहाल चाहिए। ये बात अलग है कि षड्यंत्र के तहत देश के अंदर हिंदू आतंकवाद की कहानी रची गई और एक औरत को फंसा दिया गया, दुनिया उसको कुछ भी कहे। इस देश में जिन लोगों को पास इस स्टोरी का पता है, हम उसके चुनाव जिताने के लिए हम भोपाल भी गए। ये झूठ पर्याप्त इसलिए बढ़ा कि हमारी सोसाइटी में खासतौर से हिंदुओं में पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक बहुत है। हमें करेक्ट करना है, हमें सबको सामने अच्छा दिखना है। आप अच्छा दिखते दिखते अब आप इतने बुरे हो गए हैं कि अब आपको कोई बचाने वाला नहीं। लिहाजा कर्नल पुरोहित का चेहरा, साध्वी प्रज्ञा के चेहरे पे अगर सवाल उठाना तो 10 बार अपने गरीबान में देख लेना कि जो मुल्क तुमने इस्लाम के नाम पे बनाया था उस मुल्क में 12 साल आजादी के वक्त 400 मदरसे थे, 400, अब 40,000 में इतनी तरक्की की। और अपने ही देश में, हमारे देश को तो छोड़ दीजिए, जो भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मानिए कि उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं, उससे बड़ा गद्दार नहीं। और मैं तथ्यों में कह रहा हूं, तो ये भावनात्मक स्टेट नहीं दे रहा। पूरे पाकिस्तान में जिसे आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया है, वहां आपने अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो आपकी थ्योरी है उसको यहां तक माना, उसमें से कहा हम ये नहीं मानेंगे, आपने कहा इनका कत्ल वाजिब है। पूरे पाकिस्तान में जितनी शियाओं की सामूहिक हत्या होती है उसमें भारत में कोई 100 साल में एक आध हत्या हो जाती होगी, वो भी किसी गलत है। पूरी दुनिया के इस्लामिक मुल्कों के अंदर जहां ना रामलाल है, ना श्यामलाल है, ना बीजेपी, ना आरएसएस की कोई ब्रांच है, वहां किसको मार रहे, कौन किसे मार रहा है? और पीछे जाओ, यहां कोई मुसलमान बैठा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं पूछना चाहता हूं भाई, मोहम्मद साहब के दामाद को फजर की नमाज में फातिमा के शौहर को किसने कत्ल किया था मस्जिद के अंदर? करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा था? कलमा पढ़ पढ़ के नारे करती अल्लाह ऊपर कहकर के किसने मारा था? कोई बजरंगर के लोग गए थे, त्रिशूल लेके गए थे, कौन से बताओ? तुम ईमान की बात करते हो, अगर तुम्हारा मुसलत ईमान है तो खड़े होकर कहो कि हमने मारा था। और क्योंकि आपको अपना इतिहास नहीं बताया गया, ना पहले शिक्षा मंत्री ने बताया, ना आखिरी वाले बताया,
आप जनगणना गाते हैं, आपको इसकी चिंता हो सकती है कि जनगणना गाते गाते सिंध का जिक्र आता है और सिंध भारत में नहीं। आपकी इतनी पीड़ा हो सकती है, मेरी वो पीड़ा नहीं। ये मेरी मजबूरी है कि आज के दौर में बहुत सारी चीजें मुझे दुगनी रिसर्च करनी पड़ती है। आपको नहीं बताया गया कि सिंध नाम का जो देश था आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है? मेरा ख्याल है कि 2 जुलाई की बात। उस देश का नाम था सिंध, सिंध का राजा था, राजा का नाम था राजा ताहिर सिंह। 2 जुलाई को उसकी डेथ एनिवर्सरी है, ये हमें नहीं बताया। अगर ये पता होता तो कुछ लोग जिनको लगता है कि सिर्फ वही आजल फाजल हैं, वही बताएंगे मोहम्मद साहब के बारे में, वही नवासों के बारे में बताएंगे, वही कुरान पे एक्सपर्ट हैं, अगर ये आपको पता होता तो उनसे पूछिए। राजा ताहिर सेन ने मोहम्मद साहब के परिवार में नवासे के नवासों जो भी बचे थे सबको अपने राज के अंदर शरण दी थी। आपका इतिहास इतना शर्मसार वाला नहीं है, आपने बना लिया, क्योंकि आपके रियल हीरो नहीं आए, उनको पढ़ाया नहीं गया। और जिसको वो हीरो मानते हैं पड़ोसी, जिसको यहां पे 25 करोड़ लोग हीरो मानते हैं, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने मोहम्मद साहब के परिवारों को कत्ल किया, वो पाकिस्तान में हीरो है। आपके देश में भी लोग इसको हीरो मानते हैं, ये बात अलग है कि आखिरी लड़ाई में राजा ताहिर के परिवार को, बेटी को, बाप को, सबको मार दिया। हमने जिनको बचाया, हमने मोहम्मद साहब के खानदान के जो लोग रह गए थे उनको शरण दी, और नाम नहीं पूछा उनसे, जात नहीं पूछी उनसे, पूरा प्रोटेक्शन दिया, पूरा किला दांव पे लगा दिया। हम बचाने वाले काफिर हैं, हमारा कत्ल वाजिब है, और जो मार रहे पूरी दुनिया में वो इस्लाम के ठेकेदार हैं। क्या मक्का है भाई, जवाब दे देश में मुसलमान कि सिया मुहर्रम क्यों मनाते हैं? एक किताब है ना, एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, शियाओं को मुहर्रम क्यों मनाना पड़ता है? शिया उन्हीं हजरत अली, उन तमाम लोग जो उनके थे परिवार के, जिनका कत्ल करबला के मैदान में हुआ, उनके अफसोस में मुहर्रम मनाया जाता है। जिन्होंने मारा उनके बारे में कभी कोई मजलिस जाके अटेंड कीजिए, मेरी जिंदगी आधी मजलिस में निकल गई, तब आपको पता चलेगा कौन सा करैक्टर है। ये जो कुरान में टेंपरिंग की जा रही है अपनी सुविधाओं के अनुसार, ये हमने नहीं की, हमने एक नोट ढेर जबर रुका नहीं बोला, लेकिन आपने कुरान को अपने एजेंडे के लिए बदल दिया और हमको डरा रहे हैं। हमारी खामोशी, हमारी टॉलरेंस को आपने कायर का समझ रखा है क्या? क्योंकि 5,000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्शों की वजह से आपने अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि जिस दिन आपने हल्का से भी कोशिश की। आधे लोग जिनका नाम गुलाम मोहम्मद है ना, शाम को पता चलेगा उनका नाम भगवान दास है। जो लोग बड़े जोर से चिल्लाते हैं हमारा नाम नूरे इलाही है, वो दोपहर तक वो प्रकाश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी खामोशी और सच्चाई से आपका मुकरना और इतिहास से इस देश में आपको भटकाने की वजह से आप इतने इंटीग्रिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए हैं कि अपने गर्व करने वाली चीजों पर भी गर्व नहीं कर पा रहे। किसी के खिलाफ नहीं, अपने आप को गर्व करिए भाई, अपनी सभ्यता पर तो गर्व करिए आप, उसमें अगर कुछ बुरा है तो उस पर भी शर्मसार होंगे, लेकिन आप तो ये मानते हैं कि हम तो सिर्फ, हमारे पास कुछ है ही, हम तो लुटे पिटे लोग हैं। अपने पुरुषार्थ को तो समझिए भाई, हमारा पुरुषार्थ किसी का कत्ल करने के लिए नहीं हो रहा भाई। हम किसी मस्जिद को तोड़ने नहीं जाते, हम किसी कब्र को तोड़ने नहीं जाते भाई,
उसी सऊदी हुकूमत ने, सऊदी सरकार ने मस्जिद को बुलडोजर चढ़ा दिया। कोई बोला? कोई बोला भारत के मुसलमानों के लिए मोहम्मद साहब के चौहे? हम जानते हैं, ईमानदार मानते हैं, अल्लाह के असली बादशाह से मानते कि ये जाते हैं मक्का में और सऊदी सरकार के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के कहते कि कैसे तुमने तोड़ा। खामोश, क्योंकि वहीं से पैसा आता है। आपका इस्लाम सिर्फ भारत को डराने के काम आया और आप पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अब डर नहीं रहे हैं तो संकट बढ़ रहा है। और पूरा यूरोप, आप विदेशी अखबार पढ़ लें, सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, पूरा यूरोप सिर्फ एक ही बार 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 कह रहा है